क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन, इक्वेशन क्या है, नाइट्रोजन का एक मोल हाइड्रोजन के तीन मोल से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, दो मोल अमोनिया के बना रहा है। और दिया क्या है, द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया इज 3×10⁻⁴ मोल लीटर सेकेंड, कैलकुलेट द डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, गिवन क्या है, हमें दिया है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, यानी हमें क्या दिया है, डेल NH3 ओवर डेल्टा टी दिया हुआ है, कितना है 3×10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। हमसे पूछा क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, यानी डेल H2 ओवर डेल्टा टी हमसे पूछा है। इस इक्वेशन के लिए हम रेट क्या लिख सकते हैं, रेट हो जाएगी इक्वल्स टू डेल्टा N2 ओवर डेल्टा टी, ये किसमें आएगा, रिएक्टेंट है, माइनस इक्वल्स टू माइनस डेल्टा H2 ओवर डेल्टा टी, इसके कितने मोल है, तीन, तो क्या होगा, तीन से इसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, बराबर अमोनिया का है प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में होगा डेल्टा NH3 ओवर डेल्टा टी, इसके दो मोल हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, टू से डिवाइड कर देंगे। तो ओवरऑल इस इक्वेशन के लिए रेट क्या होगी, ये हो जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया दी है और पूछा क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेट को इक्वल रख देते हैं किसके, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया के, तो R इक्वल टू किसके हो जाएगा, डेल्टा NH3 ओवर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 2, डेल NH3 ओवर डेल्टा की वैल्यू क्या है, 1/2 × 3×10⁻⁴, आंसर क्या आ जाएगा, 1.5×10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो हम इसे क्या करेंगे, रेट के इक्वल रख देंगे, तो R बराबर क्या है, 1/3 डेल H2 ओवर डेल्टा टी, R की वैल्यू कितनी है, 1.5×10⁻⁴1/3 डेल H2 ओवर डेल्टा टी, और डेल H2 ओवर डेल्टा टी किसके बराबर हो जाएगा, 3×1.5×10⁻⁴, आंसर क्या आ जाएगा, 4.5×10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू हो जाएगी, क्लियर।